पार्टी और परिवार की बगावत से पार पाकर चिराग पासवान ने अपनी ताकत का एहसास सबको करा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ लेकर चिराग पासवान ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के सियासत की विरासत के सच्चे हकदार हैं। केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेने वाले चिराग पासवान काले रंग के सूट में शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे। मंत्री के रूप में शपथ लेने के पहले उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शपथ ग्रहण के पहले वो एनडीए के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की बधाई स्वीकार करते रहे। जीतराम मांझी और ललन सिंह के साथ शपथ लेने के बाद चिराग पासवान ने मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी बड़ी जीत हासिल की है। पहले तो उन्होंने सभी 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। साथ ही चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1,70,000 वोट के मार्जिन से जीत हासिल की। चिराग सक्रिय राजनीति में आने के पहले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही की है। चिराग पासवान फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनेता की भूमिका निभाई लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई। सबसे पहले 2014 में जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में चिराग पासवान को पहले ही चुनाव में बड़ी जीत मिली। साल 2014 में चिराग पासवान ने जमुई सीट से सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में भी जमुई सीट पर उन्होंने अपना कब्जा कायम रखा। पिता के निधन के बाद चिराग पासवान पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। चाचा पशुपति पारस ने पार्टी और परिवार को दो फाड़ कर दिया। चिराग पासवान ने उनके पिता की पार्टी और चुनाव चिन्ह भी छीन लिया लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी और नए सिरे से अपनी पार्टी को स्थापित किया। इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो सफलता हासिल की है उससे साबित हो गया है कि वो ही अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत के सच्चे हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।